हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़, और ये इसका पार्ट टू वीडियो है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन और उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर थ्री मेथड्स। द फर्स्ट वन इज कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम, और कॉमन नेम सिस्टम को ही बोलते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम या ट्राइवियल नेम मेथड। ठीक है, सेकेंड टाइप है दैट इज डिराइव्ड नेम सिस्टम, डिराइव्ड नेम एंड सिस्टम। ठीक, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज IUPAC सिस्टम, IUPAC नेम सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेथड्स टू नोमेनक्लेट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली वो कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC नेमिंग सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तरह से समझ लीजिए, कॉमन नेम सिस्टम क्यों बोला हमने इसको, बिकॉज देयर आर नो डेफिनेट रूल्स टू नोमेनक्लेट एनी कंपाउंड। और IUPAC नेम सिस्टम क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IUPAC जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूँ, द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कॉमन नेम सिस्टम, पूरा डिटेल में समझेंगे उसको, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग IUPAC नेम सिस्टम के बारे में। तो देखिए, कॉमन नेम सिस्टम एक्चुअली में इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है उसका कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है। उनके सोर्स की बेसिस पर, साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पर, टेस्ट की बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रख दिया गया है और वही कॉमन नेम सिस्टम बन जाता है। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि जैसे किसी घर में, किसी फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे को देखकर, मतलब उसकी अपीयरेंस को देखकर, जैसे मान लीजिए वो बच्चा बहुत गोरा है, तो जनरली घर वाले क्या बोल देते हैं उसको, भाई ये तो बहुत गोरा है, तो उसको भूरा भूरा बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो कॉमन नेम सिस्टम हो गया। लेकिन पंडित जी जो पूरा सेट देखेंगे, पूरा नक्षत्र देखेंगे, ग्रह दिशा देखेंगे, तो उसके हिसाब से जो नाम रखेंगे दैट इज सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम या IUPAC नेम सिस्टम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी यही खेल है। कॉमनली देखने से कैसा पता चल रहा है, उसका सोर्स क्या है, तो कॉमन नेम सिस्टम में नाम रख दिया उसका। लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो उसका नाम रखेंगे हम लोग IUPAC नेमिंग सिस्टम के सेट रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो पहले में अब मैं यहाँ पे सीधे से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। देखिए, हमारे यहाँ पे दोनों ही नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC नेम सिस्टम, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन की, जब किसी न्यूमेरिकल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई लैंग्वेज बनती है तो वो कॉमन नेम सिस्टम भी यूज़ कर सकता है और IUPAC नेम सिस्टम भी यूज़ कर सकता है। तो हमें दोनों ही पता होने चाहिए। ठीक है, तो कॉमन नेम सिस्टम में देखिए हम लोग किस तरह से कॉमनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखते हैं, वो देखिए आप लोग। हम लोग रख सकते हैं सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, मतलब किसी साइंटिस्ट ने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखो हम लोग इसको जनरली लिख देते हैं RMGX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एक्स स्टैंड फॉर हैलाइड एंड दिस आर स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएजेंट बनता है दैट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट,
फ्रैंकलैंड रेज एंड, इन सब रेज एंड को हम लोग यूज करना भी सीखेंगे आगे चलकर। और इसका फॉर्मूला है R2ZN। जिंक में दो एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट कर दिया है। तो देखिए साइंटिस्ट की बेसिस पर हम लोगों ने कंपाउंड का नाम रख दिया, तो दिस इट कम्स अंडर कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड। हम लोग किस तरीके से इसको, या किससे हम इसको बना रहे हैं, या किससे इसको ऑप्टेन कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं दिस इज मार्स गैस। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस। क्यों बोलते हैं मार्स गैस, बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम मार्शी एरियाज। ये मीथेन गैस हमको कहाँ से मिलती है, ये हमको स्वैम्पी एरिया से मिलती है, दलदल वाले क्षेत्रों से मिलती है मार्स गैस। सेकंड देखें हम, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3OH, इसको बोलते हैं हम लोग वुड स्प्रिट। इट इज कॉल्ड वुड स्प्रिट। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम, या ऑप्टेन बाई द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसीलिए हम लोग इसको वुड स्प्रिट बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, दैट इज HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, जब कोई वेस्प, पीली वाली ततैया जो होती है, किसी को खा जाती है, तो वो फॉर्मिक एसिड ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। तो फॉर्मिक एसिड क्यों मिला भाई ये, क्यों रखा है इसका नाम, बिकॉज इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम फॉर्मस, और फॉर्मस का मतलब होता है रेड एंट, जो लाल वाली चींटी होती है उससे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड, और रेड एंट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पर। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज CH3COOH। ये है एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये। एसिटिक एसिड क्यों नाम रखा है इसको, बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम एसीटम, एंड वॉट इज दिस एसीटम, एसीटम को बोलते हैं सिरका। तो एसिटिक एसिड हमको किससे मिल रहा है, एसीटम से, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, एसिटिक एसिड बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, देखिए CH3CH, दिस इज OH एंड दिस इज COOH, ये है लैक्टिक एसिड। हमने इसको लैक्टिक एसिड क्यों बोला, देखिए आपको एक पॉइंट और क्लियर करूं, हम लोग इन कंपाउंड का IUPAC नेम भी लिखेंगे जब हम लोग IUPAC सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो लैक्टिक एसिड बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम लैक्टम, एंड व्हाट इज दिस लैक्टम, लैक्टम मींस मिल्क। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिल्क से मिल रहा है उसको क्या बोल दिया हमने, लैक्टिक एसिड। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है This is malic acid, because it is obtained from malus. And what is this malus? Malus means apple. तो ऐसा organic compound जो apple से मिल रहा है उसको क्या बोल दिया? Malic acid बोल दिया। ऐसे ही next देखें हम लोग। This organic compound is known as टार्ट्रिक एसिड। आप लोग जानते हैं टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, और ये किससे मिल रहा है हमको, टैमेरिंड से, इसीलिए टार्ट्रिक बोल दिया हमने इसको। टैमेरिंड मींस इमली, इमली से मिलने वाला एसिड क्या है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। IUPAC नेम आगे लिखना सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाएं, जैसे हम लोग, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज सिट्रिक एसिड। इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। ये हमको खट्टे फलों से मिल रहा है। खट्टे फलों में कौन आ गया सर, खट्टे फलों में आ गया लेमन, ऑरेंज, ठीक है। तो देखिए हमने जिस सोर्स से मिला है कोई कंपाउंड उसकी बेसिस पर उसका नाम रख दिया है। जैसे मिल्क से मिला है लैक्टिक एसिड, मेलस से मिला मैलिक एसिड, टैमेरिंड से मिला है टार्ट्रिक एसिड, और सिट्रस फ्रूट से मिला है सिट्रिक एसिड। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड।
ठीक है। अभी हम लोग इसमें और देखेंगे, सी कैटेगरी बनेगी, कॉमन नेम सिस्टम एक्चुअली हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि लैंग्वेज में वो कॉमन नेम सिस्टम को यूज़ करता है, तो हम लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं। अगर हमने ये नाम पढ़ा होगा कभी, मान लीजिए कि आपने को क्वेश्चन में दे दिया कि टार्ट्रिक एसिड दिस दिस दिस, तो टार्ट्रिक एसिड पता होगा तभी तो हम लोग उसकी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अगर उसने IUPAC नेम दे दिया तब तो स्ट्रक्चर बनाना आसान है, लेकिन कॉमन नेम सिस्टम अगर दे दिया है तो हम उसकी स्ट्रक्चर तभी बना सकते हैं जब हमें वो कॉमन नेम याद होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं सी सीरीज़ पर। जैसे ए में हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, बी में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अब हम लोग पढ़ते हैं सी, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसमें हमें को बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नेम मिलेंगे हमको। तो दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें सबसे पहला मैं लिखता हूँ, जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये दूसरा भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। आप लोग एक चीज़ याद रखते जाइए कि यहाँ दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं है। ऐसे हम लोग दूसरा देखें, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर मैंने एक CH2 ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाएगा मेलोनिक एसिड। सी द डिफरेंस, हमने वो पढ़ा था मैलिक एसिड जो एप्पल से मिल रहा है, ये है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ऐसे ही थर्ड हम लोग देखें, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हम लोग दो CH2 ग्रुप लगा देते हैं, दो CH2 ग्रुप, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, इट इज़ नोन एज सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखें, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हम लोग तीन CH2 ग्रुप लगा दें लाइक दिस, तो ये बन जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। इन द सेम वे, अगर मेरे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में फोर कार्बन एटम है, फोर कार्बन एटम है, तो ये बन जाएगा एडिपिक एसिड, सिंपली दिस इज एडिपिक एसिड। और अगर मेरे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में फाइव CH2 ग्रुप है, नाउ इट बिकम पाइमेलिक एसिड। देखिए आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे ये सीरीज सब याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जीरो कार्बन एटम, मेलोनिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में वन कार्बन एटम, सक्सिनिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में टू कार्बन एटम, ग्लूटेरिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में थ्री कार्बन एटम, एडिपिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में फोर कार्बन एटम, पाइमेलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में फाइव कार्बन एटम। तो अगर आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहें तो देखिए, ऑक्सैलिक एसिड का O, मेलोनिक एसिड का M, सक्सिनिक एसिड का S, ग्लूटेरिक एसिड का G, एडिपिक एसिड का A एंड पाइमेलिक एसिड का P। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ऑक्सैलिक एसिड के बीच में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितने कार्बन एटम है, जीरो, मेलोनिक एसिड में वन, सक्सिनिक एसिड में टू, ग्लूटेरिक एसिड में थ्री, एडिपिक एसिड में फोर और पाइमेलिक एसिड में फाइव। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके कॉमन नेम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। देखिए मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम सिस्टम बता रहा हूँ आपको, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट के बेसिस पर कॉमन नेम सिस्टम रख दिया गया, कॉमन नाम रख दिया गया। दैट इज जैसे कोई कंपाउंड स्वीट इन टेस्ट है, स्वीट इन टेस्ट, तो उसका जो जनरली नेम है वो शुरू कर दिया जाता है GL से। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ये आपके पास फॉर्मूला है C6H12O6, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज बोल देते हैं, दिस इज ग्लूकोज, तो यहाँ पे GL आ रहा है, तो GL स्टैंड फॉर स्वीट। ऐसी सेकंड देखें हम लोग, जैसे मेरे पास है CH2OH, दिस इज CH2OH एंड इट्स नेम इज ग्लाइकॉल, तो GL आ रहा है यहाँ पर भी। ऐसी थर्ड देखें हम लोग, मैंने लिखा CH2OH, यहाँ CH
ओ एच एंड दिस इज सी एच टू ओ एच, इट्स नेम इज ग्लिसरीन। आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? तो देखिए जी एल जो कॉमन नेम है, जो प्रिफिक्स है, दैट ऑलवेज स्टैंड फॉर स्वीट इन टेस्ट, ग्लूकोज, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन। तो ये था मेरे पास डी सीरीज, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया है कॉमन नेम मेथड में। तो कॉमन नेम मेथड में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये रूल हमको फॉलो ही करने हैं। हम लोग देखा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नेम हमने किस तरह से किया है, हमने सोर्स की बेसिस पर कॉमन नेम को पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ई सीरीज, जिसमें हम लोग कार्बन एटम के नंबर की बेसिस पर कंपाउंड्स को कॉमन नेम देंगे इसमें। फ्रेंड अब हम लोग पढ़ रहे हैं ई सीरीज, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है उसकी बेसिस पर हम लोग नाम कैसे देते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो हम लोग उसको जनरली बोलते हैं मैथ, ठीक। दो कार्बन एटम है उसको बोलते हैं एथ। तीन कार्बन एटम है उसको बोलते हैं प्रॉप। ऐसे ही फोर कार्बन एटम है उसको बोलते हैं ब्यूट, और फाइव कार्बन एटम है उसको बोलते हैं पेंट। सिक्स कार्बन एटम है उसको बोलते हैं हेक्स। सेवन कार्बन एटम है उसको बोलते हैं हेप्ट। एट कार्बन एटम है उसको बोलते हैं ऑक्ट। और ज़्यादातर हम लोग एट कार्बन एटम, अगर नाइन कार्बन एटम है तो बोल देंगे नॉन, और टेन कार्बन एटम है बोल देंगे डेक। तो मैं एट तक ही लिखता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हम लोग इनको नॉमनक्लेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कार्बन एटम की संख्या से तो पता चल जाएगा कि वो मैथ है, एथ है, प्रोप है, जो भी है। लेकिन अब हम लोग, मैं यहाँ पर ई सीरीज को ही दो भाग में बांटता हूँ। पहला लिखता हूँ फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, सैचुरेटेड का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एल्केन की। मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, फॉर एल्केन्स। चलिए तो यहाँ देखिए, जैसे आपके पास एक कार्बन एटम है ये लिखा मैंने, और मान लीजिए दो कार्बन एटम है, चलिए दो कार्बन एटम है लाइक दिस, और आपने यहाँ पर ये बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कर दी। तो इसको मैं सिंपल क्या बोल दूंगा, इथेन, एथ और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इथेन। मान लीजिए आपके पास तीन कार्बन एटम हैं CH3, CH2 और CH3। जैसे ही कार्बन एटम 3 आते हैं, हमको ये पता है कि कार्बन चेन सीधी है, लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो हम लोग एक प्रिफिक्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक प्रिफिक्स ऐड हो जाता है दैट इज़ नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। तो ये कॉमन नेम सिस्टम में प्रिफिक्स जरूर लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास फोर कार्बन एटम है CH3, CH2 एंड दिस इज CH3। आप लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं कि लीनियर कार्बन चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और कार्बन एटम कितने हैं 4। तो ये सिंपल क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन। लेकिन आगे क्या आएगा, नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल रिप्रेजेंट दिस चेन हैज़ लीनियर नेचर, चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है। ऐसे मान लो अगर मैं इसको लिख दूँ CH3, CH, दिस इज CH3 एंड CH3। आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन, टोटल कार्बन एटम कितने हैं 4 हैं। हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं वो टोटल कार्बन एटम है, लेकिन एक ब्रांचिंग आ रही है, दैट मीन दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर मान लो मेरे पास 5 कार्बन एटम है लाइक दिस CH3, CCH3 एंड दिस CH3। आप लोग देख रहे हैं टोटल कितने कार्बन एटम हैं, 5 हैं, तो पेंटेन तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर दो ब्रांचिंग आ रही हैं, दो ब्रांच आ रही हैं, तो दो ब्रांच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नियो। हमेशा याद रखना कि ये जो नियो टर्म है वो कार्बन एटम 5 से ही स्टार्ट होता है। मतलब जिसमें मिनिमम 5 कार्बन एटम हो और उसमें दो ब्रांचिंग आ रही हो, तब हम लोग नियो टर्म यूज़ करते हैं। और नॉर्मल, आइसो, नियो, ये कहाँ से शुरू होता है, कार्बन एटम 3 से। जैसे अब इथेन है, तो इथेन में तो भाई दो कार्बन एटम है, तो ये तो हमेशा लीनियरली ही जुड़े रहेंगे, इसमें तो कोई ब्रांचिंग का सीन नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल, आइसो, नियो वगैरह यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। जैसे ही कार्बन एटम 3 आता है वहाँ से प्रिफिक्स को ऐड करना शुरू करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो आइसो हो, चाहे वो नियो हो।
तो देखो ये था फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम हम लोग आगे प्रिफिक्स लिखेंगे और पीछे वो रूट वर्ड लिख देंगे, वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पर, दैट इज ई पॉइंट टू फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एच सी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, मैंने एच सी लिख दिया यहाँ, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं पहले बात करता हूँ एल्कीन की, ठीक है, और फिर यहाँ बात करता हूँ एल्काइन की। तो दोनों का कॉमन नेम में कैसे नाम लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तो हम लोग इसको नाम देते हैं सिंपल एथ, क्योंकि दो कार्बन एटम है, और बाकी के लिए हम लोग लिखते हैं इथाइलीन। ऐसे ही यहाँ पर एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, इसको नाम देते हैं एसीटाइलीन, एसीटाइलीन। तो देखो सीधा डिफरेंस, इसको बोला है इथाइलीन लेकिन इसको बोला है एसीटाइलीन, यहाँ पर एथ यूज नहीं किया है। तो यही तो कॉमन नेम है कि कॉमन नेम में कोई एक फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पे दो कार्बन एटम के लिए एथ लिखा है और यहाँ पे दो कार्बन एटम के लिए एस लिखा है, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास है सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, कितने कार्बन एटम है फोर, तो ब्यूट तो आएगा ही और डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ब्यूटाइलीन। अच्छा ये अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है तो हम लोग इसको लिख देते हैं एल्फा, तो इसका नाम हो गया एल्फा ब्यूटाइलीन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड दिस इज सी एच थ्री, तो चार कार्बन एटम है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो आइलीन, और नॉन टर्मिनल कार्बन पर है मतलब टर्मिनल पर नहीं है बीच में है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बीटा ब्यूटाइलीन। अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर पर है टर्मिनल पर है तो एल्फा और नॉन टर्मिनल पर है तो बीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लें हम लोग इसका नाम दें, मान लीजिए मेरे पास है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड दिस इज सी एच थ्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये तो है एसीटाइलीन साथ में मिथाइल जुड़ गया तो ये है मिथाइल एसीटाइलीन, इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल एसीटाइलीन। और मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल एसीटाइलीन, इट इज डाई मिथाइल एसीटाइलीन, ठीक है। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बन गया। अच्छा चलिए अब यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब मैं यहाँ पर नॉमनक्लेट करूँगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल को। अब ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं ई पॉइंट वन पॉइंट वन। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को सीक्वेंस पर। हमने ई पढ़ा था कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ई पॉइंट वन मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई थी फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये है ई पॉइंट वन पॉइंट वन दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है इसको अभी हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए सैचुरेटेड में मैंने एग्जाम्पल लिया था एल्केन का, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग सिंपल आर एच लिख लेते हैं। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया तो इसका मतलब उसकी एक वैलेंसी खाली बच गई, तो यहाँ पे बनता है मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। मतलब रेडिकल क्या है, एक तरह से जिसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझको मिल गया मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। मान लीजिए एक और हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझको मिल जाएगा बाईवेलेंट, मतलब बाई का मतलब दो वैलेंसी खाली है इसकी, बाईवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अभी हम लोग एग्जाम्पल से सब समझेंगे। और मान लीजिए एक और हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन जाएगा ट्राईवेलेंट, सिंपल ट्राईवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब समझिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ मीथेन की, मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी एच थ्री एच, तो इसका नाम है मीथेन, ठीक। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन गेट डिस्प्लेस्ड, तो मुझे क्या मिल गया देखो CH3 और इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा मिथाइल, इट इज नोन एज मिथाइल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल में पीछे क्या लगा देते हैं YL लगा देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास है इथेन CH3 CS3,
आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास यहाँ मिल गया CH3CH2 और इसकी वैलेंसी खाली हो गई, नाउ इट इज़ नोन एज इथाइल सिंपली। मान लीजिए आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, दैट इज CH3CH2 और CH3, और कॉमन नेम क्या है इसका, नॉर्मल प्रोपेन। अब अगर नॉर्मल प्रोपेन में मैंने टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया लाइक दिस CH3CH2 एंड CH2, इस तरह से एक हाइड्रोजन हटाया है तो मोनोवेलेंट रेडिकल है, और टर्मिनल कार्बन से हटाया है देन ओनली इट इज नॉर्मल प्रोपाइल, नाउ इट इज नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर आपने हाइड्रोजन हटा दिया है नॉन टर्मिनल कार्बन से, मान लीजिए इस वाले कार्बन से, तो देखो इसका कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर CH3CH एंड दिस इज CH3, ये वैलेंसी खाली है इसकी, नाउ इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल, इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। मैं यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर करता हूं आपको, देखिए कि इस वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, वन, तो दिस कार्बन एटम इज ओनली 1 डिग्री, और वी कैन से दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी, या मैं बोलता हूं इसको 1 डिग्री। इस वाले कार्बन एटम को अगर मैं कंसीडर करूं तो इस वाले कार्बन एटम से लगातार कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, 1 और ये 2, तो दिस कार्बन एटम इज 2 डिग्री और वी कैन से सेकेंडरी। अगर प्रोपेन में हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन एटम से निकलता है देन इट इज नॉर्मल प्रोपाइल, और अगर सेकेंडरी कार्बन से निकलता है देन इट इज नोन एज आइसो प्रोपाइल। नाउ कम टू द ब्यूटेन, देखिए मान लीजिए मेरे पास है CH3CH2CH2 एंड दिस इज CH3, इसका नेम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं, यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए CH3CH2CH2 एंड दिस इज CH2, और ये फ्री वैलेंसी। आप लोग ध्यान दीजिए, देखो ये कार्बन एटम है 1 डिग्री और ये वाला कार्बन एटम है 2 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन एटम से हटाता हूँ देन इट इज़ नोन एज नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर मैंने सेकेंडरी कार्बन एटम से हटा दिया, मान लीजिए कुछ ऐसे CH3CH2CH और ये CH3, एक चीज़ और ध्यान देना, देखो ये वाला कार्बन एटम 2 डिग्री है तो ये वाला कार्बन एटम भी तो 2 डिग्री है, तो आप लोग चाहें तो इस वाले कार्बन से हटा दीजिए हाइड्रोजन को, देन इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, और अगर आप लोग इस कार्बन एटम से हटाएंगे तब भी इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आप लोग देखिए, प्राइमरी कार्बन से हटाया है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और सेकेंडरी कार्बन से हटाया है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। मान लीजिए आपके पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन आप लोग जानते ही हैं CH3CH एंड दिस इज CH3। अब यहाँ देखिए दिस कार्बन एटम इज 1 डिग्री एंड दिस कार्बन एटम इज 3 डिग्री। कार्बन इस वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली आप लोग देखें तो 1, 2 और 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो दिस कार्बन एटम इज 3 डिग्री, ध्यान से देखना आप। तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाता हूँ 1 डिग्री कार्बन से, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, CH3CH CH3 एंड इट इज CH2 और ये फ्री वैलेंसी। नाउ इट इज नोन एज, ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल, इट इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आइसोब्यूटेन में हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से हटा दिया कुछ इस तरह से CH3 CH3, इट इज CH3 और ये वैलेंसी खाली है, देन इट इज टर्शरी ब्यूटाइल। बहुत ध्यान देने वाली बात है, टर्शरी ब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है जी। तो ये है, अब हम लोग ये हमने बनाए मोनोवेलेंट रेडिकल। अभी यहीं पर मैं आपको बताता हूँ बाईवेलेंट कैसे बना सकते हैं। बाईवेलेंट का मतलब होता है दो कार्बन एटम को निकालना है। अब देखो मैंने एक हाइड्रोजन एटम को निकाला है तो मिथाइल, अगर मैंने एक और हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया, एक और हाइड्रोजन एटम को निकालूंगा तो मेरे पास देखो ये बचेगा CH2 और ये दो वैलेंसी बचेंगी इसकी, नाउ इट इज नोन एज मिथाइल आईडीन। ऐसे ही ये इथाइल, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन और निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा, देखिए CH3CH, एक ही कार्बन एटम से दोनों हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा इथाइल आईडीन, इथाइल आईडीन,
ठीक है, यहाँ से मैं निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और निकाल दूं यहाँ से तो ये बन जाएगा, देखिए CH3 CH2। नाउ CH दो वैलेंसी बचेंगी, इट इज नोन एज नॉर्मल प्रोपाइल आईडीन। आईडीन का मतलब है, आई का मतलब है सेम कार्बन एटम, आई का मतलब यहां पर सेम कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम निकाल दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की, और मैंने अभी आपको बताया मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कैसे नेमिंग करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है दिस इथेन, ठीक है, ये इथेन है और इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दीजिए तो देन इट बिकम मोनोवेलेंट रेडिकल लाइक दिस, अभी पढ़ा है हमने, तो इट इज इथाइल। इसमें से एक और हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा बाईवेलेंट रेडिकल, और बाईवेलेंट रेडिकल बनने के दो चांसेस हैं, या तो दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम से निकल जाए, यहां लिखता हूं सेम कार्बन एटम से दोनों हाइड्रोजन निकली हैं तो इट बिकम इथाइल आईडीन, और अगर दो हाइड्रोजन एटम, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम डिफरेंट डिफरेंट एटम से निकले, जैसे मान लीजिए ये था CH2H, इस तरह से एक हाइड्रोजन एटम यहां से निकल गई तो मोनोवेलेंट रेडिकल, इथाइल है ये, जैसे ऊपर बनाया है मैंने इथाइल, और दूसरा हाइड्रोजन एटम नेबरिंग कार्बन एटम से निकले देन इट इज नोन एज इथाइलीन। ठीक है, तो इथाइलीन का मतलब है कि विसिनल, मतलब नेबरिंग कार्बन एटम से निकला है। अच्छा, कॉमन नेम में नेवर कार्बन एटम को विसिनल बोलते हैं, नेवर कार्बन एटम जो है उसको विसिनल, विसिनल, और सेम कार्बन एटम को बोलते हैं जेमिनल। तो ये कॉमन नेम है, इसका कोई रूल नहीं है, जो मर्जी आ गई वो रूल बना दिया, तो ये इथाइलीन बन जाता है। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए आपके पास प्रोपाइल है CH3 CH2 एंड दिस CH2, दिस इज प्रोपाइल, और वी कैन से नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है सर, अगर मैं दूसरा हाइड्रोजन भी इसी कार्बन एटम से निकाल दूं, मान लीजिए मैंने किया CH3 CH2 CH और ऐसे कर दिया, नाउ इट इज नॉर्मल प्रोपाइल आईडीन। और अगर मैं नेबरिंग कार्बन एटम से, देखो एक कार्बन हाइड्रोजन इससे निकाल दूं और दूसरा वाला यहां से निकाल दूं, नाउ इट इज नोन एज नॉर्मल प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। तो देखिए, अगर नेबरिंग कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलते हैं तो आता है ईन, और एक ही कार्बन एटम से निकलते तो आता है आईडीन। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो हम लोग पढ़ रहे थे E.1.1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, अब मैं आपको बताता हूं यहां E.2.1 दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसको देखिए, जैसे अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, तो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है इथीन, इट्स नेम इज इथीन। ठीक, या सॉरी कॉमन नेम में इसका नाम है दैट इज इथाइलीन, इथाइलीन। और मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा, नाउ इट इज विनाइल, ये क्या है विनाइल है। दो कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है और मोनोवेलेंट रेडिकल है, देन इट इज नोन एज विनाइल। और अगर मान लीजिए आपके पास एक डबल बॉन्ड है और तीन कार्बन एटम है, इट इज नोन एज एलाइल, इट इज नोन एज एलाइल, ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक है, और अगर यहीं पर ये रेडिकल कुछ ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH3 और हाइड्रोजन यहां से निकल जाए इस वाले कार्बन से, नाउ इट इज नोन एज प्रोपरजिल, PROPARGYL, प्रोपरजिल। तो ये कॉमन नेम है, आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, विनाइल एलाइल एंड दिस इज प्रोपरजिल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं F सीरीज, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पर्टिकुलर एक नेम यूज किया जाता है, वो देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं F, दैट इज नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
जिनके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक नेम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो एक कार्बन एटम है तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म, दो कार्बन एटम है तो हम लोग यूज़ करते हैं एसी, ACET एसिट, तीन कार्बन एटम है तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन एटम है तो हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूटायर, पांच कार्बन एटम है तो हम लोग यूज़ करते हैं वेलर। ठीक है, अब एक एक करके बताता हूँ मैं। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है CHO, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड, फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, या फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड, इनके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया CH3COOH, तो आप लोग जानते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन एटम के लिए हमने क्या यूज़ किया, एसिड टर्म यूज़ किया। ऐसे मान लो आपके पास है HCOOH, कितने कार्बन एटम है, वन, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास है HCHO, कितने कार्बन एटम है, वन, तो दैट इज़ फॉर्म, और एल्डिहाइड दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए इन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बन एटम वन के लिए फॉर्म, कार्बन एटम टू के लिए एसिड, कार्बन एटम थ्री के लिए प्रोपियन, और कार्बन एटम फोर के लिए ब्यूटायर, और कार्बन एटम फाइव के लिए वेलर यूज़ करते हैं। कार्बन एटम है तो हम लोग यूज़ करते हैं एक्राइल, ACRYL, और अगर चार कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनल साइड पर है देन वी यूज़ टर्म क्रोटोन। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से चार कार्बन एटम है और एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो हम लोग इसको देखिए कैसे नॉमनक्लेट करेंगे कॉमन नेम में, दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक, क्रोटोन एल्डिहाइड इस तरह से। तो ये था देखिए स्टूडेंट पूरा कॉमन नेम सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से बताया है। अभी और भी कुछ और कॉमन नेम हो सकते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट कॉमन नेम आएंगे वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, इसमें भी कॉमन नेम सिस्टम हम लोग हर चैप्टर के कॉमन नेम सिस्टम पढ़ेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो चलिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेता हूँ कि कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मेरे पास देखिए ये है, दिस इज बेंजीन, इसको कॉमनली हम लोग फीन भी बोलते हैं, PHENE। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम हटा दूं, मान लीजिए दिस हाइड्रोजन एटम गेट रिप्लेस्ड, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फिनाइल, इट इज नोन एज फिनाइल। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास है दिस इज मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है टॉलवेन, दिस इज टॉलवेन, और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ लाइक दिस तो इट इज़ नोन एज बेंजाइल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल। और अगर हाइड्रोजन ये वाली हटी है, मान लीजिए आपके पास टॉलवेन है, दिस इज टॉलवेन, और आपने हाइड्रोजन ये वाली हटाई है तो आपके पास रेडिकल क्या बनेगा, देखिए ये CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटी है तो ये बनेगा ऑर्थो टॉलवेल, TOLYL, ऑर्थो टॉलवेल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ इसी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, अगर आपके पास टॉलवेन है और आपने एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से हटाया है तो देखो ये बन गया बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल। एक और हाइड्रोजन हटा दिया सेम कार्बन एटम से लाइक दिस CH, तो ये बन गया बेंजल, दिस इज बेंजल। और एक और कार्बन एटम हटा दिया इसी एक और हाइड्रोजन एटम हटा दिया इसी सेम कार्बन एटम से तो ये बन जाएगा बेंजो। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, बेंजाइल, बेंजल एंड इट इज बेंजो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। ये मैं जनरल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रूल्स थोड़े बहुत हैं इसके वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट ये था पूरा इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने कॉमन नेम सिस्टम या ट्राइवियल नेम सिस्टम को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नेम सिस्टम।
और हो सकता है कि उसके ज़्यादा वीडियो बने क्योंकि उसमें रूल्स कुछ ज़्यादा हैं और हम लोगों को बहुत कैटेगरी उसमें इंक्लूड करनी है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, घर बैठे लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।